सुप्रीमो और महागठबंधन के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव जी हमारे साथ हैं। लालू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। लालू जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि 2019 में पीएम के सामने कैंडिडेट कौन होगा आपकी नजर में? बात देखिए, शरीर सब कंफ्यूजन सब कर रहा है, ये अभी टाइम आया कहाँ है। लेकिन सर, आप किसे देखते हैं? बात सुनो, अभी ये सब बातें दूर है। अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विधिवत नहीं कहा कि हमारा शासन होगा तो हमारा आदमी फलाना पीएम का उम्मीदवार होगा। अभी सब अपने मन से जिसको तिसको बात करते रहते हैं, और कैंडिडेट ईमानदारी से पूछो सच्चाई, विदाउट कोई लाव लपट और बिना कोई पॉलिटिक्स के, अपने देश में रेयर लोग है जो कैंडिडेट नहीं है, सब पीएम का कैंडिडेट है। तो ये जब सब कैंडिडेट है तो एक कैंडिडेट के दो राज्य के आदमी प्रस्तावकों नहीं मिलेगा, तो फिर पहले तो प्रस्तावकों होना ना चाहिए। भाई कोई बोल नहीं रहा, सब खोज रहा है दूसरे को कि हम उसको करे हुए। दूसरा बात है, लोग चराता अच्छा हंसुआ अपने तरफ घिंचता रहता है। हम लोग शुरू से बोले भाई हम तो कैंडिडेट अभी नहीं है, और नीतीश कुमार महागठबंधन का पावर अगर हम लोग को मिलेगा बनने की बात होगी तो हम नीतीश को मदद करते हैं, हमें कहा, जबकि हमारे संधि भी हैं। नीतीश कुमार तो मेरा संधि भी है, मुलायम सिंह है, और सबके बावजूद भी अब सब लोग से हमें बात बोला। और ये बात को बोला तो बात का बतंगन भी दिया कर लोग लगाते रहता है। तो अब इसमें जो है कि चुनाव के मतलब राहुल गांधी के विषय में पूछ दिया कोई आदमी, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने भी कहाँ कहा कुछ, उनके घर में हम कैसे इंटरफेयर करें कि प्रियंका जी होगी कि राहुल गांधी होंगे कि मैडम होगी, ये कैसे हम बोले, व्हाट इज हमारी क्या अथॉरिटी है बताओ। अब ये इसको उल्टा चलाता है सब, लालू यादव सब बोल दिया। सर उल्टा नहीं चलाएंगे, लेकिन आरजेडी का समर्थन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे में आपका नीतीश कुमार के साथ समर्थन समझे क्योंकि महागठबंधन है, लालू माफ कीजिएगा राहुल गांधी के साथ समझे या आपके मुलायम सिंह यादव के साथ समझने में? समझते समझते आप लोग पागल हो जाओगे, भारतीय राजनीति को समझते समझते मीडिया का लोग पागल हो जाएगा। इसलिए जी पुरवैया के आज जो कार्यक्रम पर यहाँ पर था, यहाँ पर नाम है, हमने ये सवाल दे दिया है उनको, देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और थिंक टैंक जो लोग दिल्ली में बैठते हैं वो थोड़ा आपस में सर्वसम्मति करके वो एक नाम दिया प्रोजेक्ट करें तो किसी का, ताकि हम लोग से जो आप अलग अलग पूछते रहे। आप लोगों हम तो बोला ना भाई नीतीश का हमारा तो गठबंधन में अभी है, तो मान लो ऐसी बात हो गई तो हंसुआ अपने तरफ घिंचता है। हरा मानो हमारे राज्य का आदमी देश का पीएम बने या हम ही बनने चाहे तो नीतीश का अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम तो है नहीं कैंडिडेट। तो ये सब बेकार की बात है, देश को बचाना है, देश डूब गया नरेंद्र मोदी के देख रेख में। आज ये देखो वहाँ पर जम्मू और कश्मीर में हमारे बड़े पैमाने पर जवानों को मार दिया आतंकवादियों ने, देश हाथ से निकल रहा है, JNK इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, हम एक इंच छोड़ नहीं सकते हैं। और इनकी सरकार और महबूबा दोनों मिलकर ये देश को एकदम रसातल में पहुंचा रहा है। आज सारा जो भी घटना हो रही है लगातार दम लेने का नाम है, नॉर्थ ईस्ट का हाल यही है, वहाँ का वही हाल है, चीन ललकाता है कभी, तो ये सारी चीजें आवर कंट्री इज नॉट सेफ इन द हैंड ऑफ द नरेंद्र मोदी एंड दिस बीजेपी पर्सन, इन लोगों के हाथ में नहीं है और बिल्कुल सेफ नहीं है। ये दूसरे काम में ये सब लगे हुए हैं, देश में कम्युनलाइज कर रहे हैं, देश सोसाइटी को और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं देश भर में ये लोग, और हाँ दलित को टारगेट कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, दलितों के साथ जो हुआ है कि ये एंटी है ये सबके, ये देश जिनका है उन्हीं के खिलाफ एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दे फेल, मिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन फेल ऑन हिज इंश्योरेंस, 50-50 लाख हम दे देगा सबको, अच्छा दिन ला देगा, दो ला बताओ कहाँ है, पीपुल आर फेड अप,
अब कर क्या सकते हो, हाथ का चूहा अबील में घुस गया तब तो पानी डाल के निकालना पड़ेगा उन्हें, इसे में ना धुआं देना पड़ेगा, तो धुआं का मतलब वो गलत समझ जाएगा बीजेपी वाला सब, तो पानी डाल के निकालना पड़ेगा इनको। तो अगर आप बात सुनो, इसलिए छोटी मोटी पॉलिटिक्स की बात नहीं, जब पीस नहीं है कंट्री के अंदर, फिर देयर इज नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी, ये दिन भर फजूला काम में देश में इसमें में लगा रहता है, एक दूसरे को लेग पुलिंग करो, उसको मारो, उसको काटो, है बनेगा हव बनेगा कपाट बनेगा, देश की जनता को हेप्टोनाइज करके सब वोट लेते रहता है लोग और काम कुछ नहीं करता। व्हाट इज अचीवमेंट ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, दिस इज माई सीरियस क्वेश्चन बिफोर उनके जो प्रोपगंडा करने वाले लोग हैं उनसे, व्हाट इज अचीवमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, टेल अस एंड सेटिस्फाइड द पीपल ऑफ अवर कंट्री। सर मेरा सवाल यूपी चुनाव से लेकर भी है, क्योंकि आपका जो चुनाव है यूपी चुनाव से, हम पूरा यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है हमारा, सर आप हमारा सबसे बड़ा सूबा है प्रदेश है, और यूपी में हम भाजपा को फटकने नहीं देगा हम। आपने कहा यूपी में भाजपा को फटकने नहीं देंगे, ये आपकी रणनीति जरूर रही, लेकिन इस वक्त ये भी सुर्खियों में है क्योंकि आपने कहा आप मुलायम सिंह यादव का समर्थन करेंगे, नीतीश इसका विरोध कर रहे हैं। नीतीश अपना अलग लड़ रहा है ना भाई, विरोध कहाँ नीतीश कर रहा है, नीतीश अपना पार्टी लड़ा रहा है, हमारा पार्टी नहीं लड़ रहा है, लेट अस क्लियर, नीतीश का जेडीयू पार्टी लड़ रहा है, हमारा आरजेडी नहीं लड़ रहा है। लेकिन सर महागठबंधन का क्या, आप सुनो ना, चुनाव महागठबंधन थोड़ी हुआ बना है, महागठबंधन नहीं बन पाया है, हम लोग अभी तक बन जाए तो और बहुत अच्छी बात है, चुनाव तक सब लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चीज हो सकता है, नचकलिया नहीं मतलब अभी संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता, राजनीति में इंकार नहीं कर सकते हो। शहाबुद्दीन वाले मसले पर अगर देखा जाए तो उनके निकलने के बाद जिस तरह से बयानों की राजनीति थोड़ी गर्म हो रही, उसके बाद महागठबंधन में जिस तरह बयान किसी को फायदा नहीं पहुंचाता, बयान हम दे कोई दे कोई दे कोई दे कोई दे, बयान से कोई नहीं फायदा पहुंचाता, अब तो मामले ऐसा है कि इस पर टीका टिप्पणी भी करना ठीक नहीं है, अब मामला तो वो निजी आदमी चला गया सुप्रीम कोर्ट में, कल बहस है बिल्कुल, और वो चंद्रा बाबू कोई है, आप पीछे सरकार भी गई है, लेकिन तो सरकार इसका विरोध करने उसमें हम लोग अभी टीका टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं, सरकार भी सुना के गई है, डिटेल पूरा बात हमको नहीं अखबारों के माध्यम से मालूम हुआ कि गई है, तो कानून जानने वाले लोग बैठे हैं वहाँ, लेट अस कोर्ट डिसाइड, उनके ऊपर छोड़ना चाहिए कोर्ट के ऊपर कि जेल से छूट के सावधान आया तो क्या वायलेशन किया है, वो पक्ष रखेगा अपना, वो पक्ष रखेगा वो अपना पक्ष रखेगा, लोग इस पर कोई टिका टूटने ना हो तो मैटर प्रेजुडिस बिल्कुल, बहुत मामला सर तेजस्वी में सीएम दिखते हैं, तेजस्वी में यह बात अभी लड़का का ये स्टेज नहीं ना है, अभी तेजस्वी ये लड़के हैं नए आए हैं लड़के, उससे पहले बहुत सारे लोग सीनियर लोग हैं, नीतीश कुमार अभी रिटायर कर गए हैं, ये बोल के मतलब हम बोलेंगे नीतीश हटो हम बैठे हैं, इसका मतलब बीजेपी को बैठाना न होगा, आरएसएस को ये बीजेपी को दस्ताबूत किया, नरेंद्र मोदी का को नाथा जैसे भैंसा को नाथा जाता है, जैसे सांड को दागा जाता है, तो दाग के बिहार की जनता ने हम लोग के बात पर भेजा तो उसका फलाफल हम सबसे लार्जेस्ट पार्टी आया, हाँ आया ना, नीतीश जी आया और फिर कांग्रेस पार्टी आया, तो सब आया, सबके सब सहयोग इकट्ठा माहौल बना आया, तो हम लोग को बेटा में लालच रहता तो हम क्लेम नहीं कर देते, लोग बोलता था ना पहले लालू मानेगा, लालू नहीं ना मानेगा नीतीश कुमार को, कहाँ लालू कोई बोलता कि नीतीश को कौन सी तकलीफ होने पहुंचा दे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर
सॉफ्टवेयर है, ट्रेनिंग काम कर रहा है, सब अच्छा है और सब सुथरा जा रहा है। बचा बिल्कुल अगले चुनाव तक महागठबंधन की कोई खास रणनीति? रणनीति जो हम हमारा कमिटमेंट है जनता के सामने हम लोग का, उस कमिटमेंट को पूरा करना है। गरीबी गुर्बत एचआरई व्यवस्थित बिहार के अंदर हमको करना है, तो अचीवमेंट है ना हमारा, उसको हम आगे बढ़ाना। फिर किस मुंह से हम जाएंगे चुनाव में? लोग कल पूछेंगे तुम लोग क्या किया, कहे तुमको दे हम वोट, ऐसे भी नहीं काम करने वाला जीतता है, सब काम करने वाला हार जाता है, जो देश की राजनीति का भूगोला है। तो इसलिए एकदम लेटेस्ट क्लियर सब लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि महागठबंधन में देयर इज नो डिस्प्यूट हियर, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हमको देश से भाजपा को सत्ता से उतारना है, मुक्त करना है, देश मुक्त, नहीं तो देश को बंटवारा कर देगा, टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, फिर क्या करोगे? तुम्हें जा रही हो और तुम्हें को बम मार देगा, दंगे फसाद होगा, फिर क्या कर, कहाँ से लौट के तुम आएगी? फिर कहाँ से तू लौट के आएगी माधुरी? हमारी गवर्नमेंट है, आई फॉर्म द गवर्नमेंट हियर, और हम लोग सब मिलके हम फर्म किया, तो हम कालिदास नहीं ना है जो सोचता है, जो पिटाया है हारा है सब इलेक्शन का पिटाई, तो देखता कि लोग आपस में लड़ जाए कि हम बैठ जाए। तो कालिदास मतलब डाल पर जो बैठे थे, अपने डाल काटते थे, ये सब फजूला चीज में सब लगा हुआ है। जनता का काम करेंगे, जनता हमको इनकार कर देगी हम रोड पर चले जाएंगे? बताओ ना, हम कोई पद पर नहीं है तो हम काहे चुपचाप बैठे हुए हैं? आपके साथ जनता का प्यार है जी। तो प्यार है तो अब इसीलिए ना हम खुश रहते हैं। अच्छा जी, बंद करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अजीत सुप्रीमो लाल प्रसाद यादव हमारे साथ थे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार को राज्य और केंद्र में फेल बताते हुए महागठबंधन में किसी तरह के डिस्प्यूट की बात नहीं बताई है। माधुरी कलाल, जी मीडिया, पटना।